फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोमी और सोनू किचन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूं, तो चलिए देखते हैं हम क्या बनाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको बोलना चाहती हूं, तो किसी भी रीजन से मेरी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ये बना रही हूँ ताकि आप हर कोई इसे बना सके। तो चलिए देखते हैं इसे मैं कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन लिया है, विथ बोन चिकन लिया है, बोनलेस नहीं लिया है। इसे मैरिनेशन के लिए अब मैं पहले इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने लेमन लिया है, साथ ही यहाँ मैंने जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने यहाँ गार्लिक पेस्ट लिया है। अब मैं इसमें एक एग ऐड करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने एक एग ऐड कर दिया है, और साथ ही यहाँ मैंने हॉट रेड चिल्ली पाउडर मैंने यहाँ ऐड किया है। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस ऐड किया है, और 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड किया है, और इसमें 1 टीस्पून मैं ग्रीन चिली सॉस भी ऐड करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ मैंने ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर दिया है। अब इसे मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है, जैसे मेरे पास अभी कॉर्नफ्लोर नहीं है, तो उसके बदले मैं क्या यूज़ करती हूँ, तो उसके बदले आप यहाँ आटा भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है, कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अभी इसमें 4 टेबलस्पून आटा ऐड करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने आटा ऐड कर दिया है। अब इसमें थोड़ा क्रिस्पीपन लाने के लिए अब मैं इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। तो ये देखिए, ये मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं मिक्स करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे कम से कम 15 मिनट मैरिनेशन के लिए रख देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैरिनेशन कम्प्लीट हो गया। 15 मिनट्स मैंने इसे रख दिया था। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। ये मैंने पैन गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है गैस पर। तो ये देखिए, मैंने पैन में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए, और साथ ही इस मैरिनेशन में अब मैं 1/2 टीस्पून मैं ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी। तो ये देखिए, ऑयल जो है गर्म हो चुका है। अब मैं चिकन पीसेस इसमें डाल के फ्राई करूँगी। तो ये देखिए, इसे मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। अब इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और इसे एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आटे से बन रहा है, इसमें टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और फिर से बोल रही हूँ कि किसी भी रीज़न से अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए, चिकन को मैंने थोड़ा सा से ढक दिया है फ्राई होने के लिए। इस तरह से पूरा कवर नहीं किया है, साइड से इस तरह हल्का छोड़ दिया है। अब मैं इसे चेक कर लूँगी। अब उलट देती हूँ इसे एक बार। तो ये देखिए, एक साइड मैंने ये पलट दिया है। ये कितना अच्छा से फ्राई हो गया है। इसे फिर से मैं ढक के थोड़ा और पका फ्राई कर लूँगी उस साइड भी। तो फिर से मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये हो चुका है। चिकन भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं, ये देखिए। बहुत आसानी से ये कट जा रहे हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया है, और पैन में जो है ऑयल है अभी भी। तो मैं इसी ऑयल से मैं बाकी का प्रोसेस जो है वो सारा कुक कर लूँगी। तो अब मैं इसमें चॉप्ड गार्लिक जो है ये डालूँगी। इसे थोड़ा हल्का फ्राई कर लेना है। लगभग ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें अनियन और कैप्सिकम डालूँगी। ये देखिए, ये मैंने कैप्सिकम और अनियन फ्राई करके कट करके रखा है कुछ इस तरीके से। अब मैं इसे ऐड कर दूँगी।
से मिक्स कर लेना है। और ये जो मैंने यहाँ मैरिनेशन किया था, तो ये जो थोड़ा सा ये बचा हुआ है इसको फेंकना नहीं है, ये जो है जब हम ग्रेवी बनाएंगे उसमें बहुत काम आएगा, तो थिकनेस के लिए ये काम आएगा। तो इसको थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसे मिक्स करके फिर उसमें ऐड कर देना है। अनियन फ्राई हो जाए, अनियन और कैप्सिकम हल्का सा, उसके बाद मैं इसे ऐड कर दूँगी। साथ ही यहाँ इस बाउल में मैंने टोमेटो सॉस लिया है। अब मैं इसमें 1 टी ये मैंने लगभग 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस लिया है और 1 टीस्पून मैं सोया सॉस ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून मैं ग्रीन चिली सॉस ऐड करूँगी इसमें। तो ये देखिए मैंने सोया सॉस भी ऐड कर दिया है, अब ग्रीन चिली सॉस ऐड करूँगी। यहाँ मैंने ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, सोया सॉस भी इसमें पड़ता है तो ध्यान रखिएगा क्योंकि सोया सॉस में सॉल्ट रहता है, तो उस हिसाब से दीजिएगा। तो अनियन फ्राई हो चुके हैं, अब मैं जो वो बताई थी जो बैटर बनाई थी उसमें पानी ऐड करके अब मैं उसमें इसे ऐड करूँगी। इसे थोड़ी देर फ्राई कर लेना है अच्छे से। इसे इसलिए थोड़ा सा फ्राई करने बोल रही हूँ अच्छे से ताकि जो इसका जो रॉ स्मेल जो है वो चला जाए, क्योंकि इसमें मैंने एग मिलाया था और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी था, तो ये सब का रॉ स्मेल थोड़ा सा हट जाए, उसके बाद मैं इसमें सॉस ऐड करूँगी। तो ये फ्राई हो चुके हैं, अब मैं ये सॉसेस जो है ये ऐड कर दूँगी और हल्का सा सॉटे करके फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये देखिए सॉस ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स मुझे इसमें टोमेटो सॉस थोड़ा कम लग रहा था, मैंने और 2 टेबलस्पून इसमें सॉस ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने तीखेपन के लिए और कलरिंग के लिए थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा हॉट रेड चिली पाउडर इसमें मैंने ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से, अगर आप सूखी चाहते हैं तो कम पानी डालिए और थोड़ा ग्रेवी चाहते हैं तो उस हिसाब से थोड़ा पानी ज़्यादा दीजिए। अब ये जो पानी जो है वो बॉईल हो चुका है, थोड़ा सा और बॉईल हो जाए तो उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया है, अब इसे थोड़ा मैं ढक के फिर पकाऊँगी 5 मिनट। इसे मैंने फुल फ्लेम में मैं इसे अभी पका रही हूँ ढककर, पहले 2 मिनट मैं पका के देख लूँगी, उसके बाद फिर अगर लगा तो और मैं फिर पकाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स चिकन चिली बनकर जो है वो तैयार है, अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स होममेड चिकन चिली बनकर तैयार है विदाउट कॉर्नफ्लावर। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर से आपसे बोल रही हूँ, मैं इसे बहुत बार ऐसे बना चुकी हूँ। मैं एक और रेसिपी इस तरीके से मैं वीडियो डाल चुकी हूँ पनीर का, तो उसे एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। और ये रेसिपी कैसी लगी एक बार प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। किसी भी रीज़न से मेरी अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हो, रेसिपी पसंद आए, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी लेके नई वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ शोमी और शोमीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चिकन चिली, होममेड चिकन चिली। इसे मैं कैसे बनाती हूँ वो आपसे आज शेयर करने वाली हूँ और ये मैं विदाउट कॉर्नफ्लावर बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगते हैं।